AC circuit containing pure resistor and pure, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, प्योर इंडक्टर, एक प्योर रेजिस्टर R और एक प्योर इंडक्टर L, इसको आपने कनेक्ट कर दिया किससे, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF E इक्वल्स E नॉट साइन ओमेगा T। तो यहां आपका VR और यही आपकी IR क्या चीज, VR, ओके ओके। और L, VL क्या करता है, लीड करता है, तो ये आपका क्या बना और ये क्या बना, IL, करेक्ट। दोनों को लेकर के फिर एक ट्रायंगल बना दीजिए आप, कैसे ट्रायंगल बनेगा, आसान सा ट्रायंगल, ये बना क्या VR, और जहां VR है वहीं उसी के साथ फेस में है I, ठीक, लेकिन वोल्टेज लीड कर रहा है इंडक्टर में, ये आपका बना VL, करेक्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों का, मुझसे गलत बन गया, राइट एंगल नहीं है ये, राइट एंगल से थोड़ा बड़ा बन गया ये, है ना, तो आप राइट एंगल ड्रॉ कीजिएगा, ये पूरा क्या बनेगा, फिर आपका रेक्टेंगल बनेगा और ये आ जाएगा आपका क्या बन जाएगा, ये नेट वोल्टेज V बन जाएगा, करेक्ट। ये एंगल कितना है और ये एंगल क्या है, पाई। इसके बाद की सारी कहानी कर लोगे क्या, ट्राइंगल वाइंगल सब कुछ वही, बस यहां आपका VL माइनस VC था, इस बार अकेला VL है, जल्दी से करके दिखाइए, हेडिंग है इसकी एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर एंड प्योर इंडक्टर इन सीरीज, देख लीजिए जिन्होंने नहीं किया एक बार देख लीजिए, VR IR सेम फेस में, यहां VL IL से 90 डिग्री आगे, दोनों को लेकर आपने बनाया, जहां VR है वहीं क्या है, I, I शो नहीं कर रखा इसमें आपने, VR शो कर दिया, यहीं आपको I भी शो करना है, और I से 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री लीड कर रहा है VL, रेक्टेंगल बना लिया, ये नेट वोल्टेज हो गए, पाई आगे चल रहा है किससे, करंट से, करेक्ट। ट्राइंगल आपने लगाया, ये निकल कर आया, कंपेयर किया ओम्स लॉ से, तो Z आपका निकल कर आया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, अच्छा स्क्वायर है यहाँ पीछे, इसे ही लगाओ स्क्वायर, करेक्ट। और उसके बाद में फिर ये इंपीडेंस ट्राइंगल बनाया, इंपीडेंस ट्राइंगल में रेजिस्टेंस और एक्सएल आ गए परपेंडिकुलर साइड पर, जेड आ गया, और यहां से टेन फाइव वी एल अपॉन वी आर पीछे वाले से, और इससे एक्सएल अपॉन आर, और पावर फैक्टर ये निकल कर आ गया कॉस फाइव इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है।